भी काफी विकास के मुद्दे फोल्डर में है। निश्चित रूप से जैसी सरकार की मंशा होती है वैसा काम हर क्षेत्र के अधिकारी करते हैं, हर क्षेत्र में वैसे ही काम होता है। हमारे सरकार की मंशा साफ है, विकास की मंशा है, उसी मंशा से चित्तौड़गढ़ की एमडी सरकार उन्हें पूरे सहकारी बैंक चित्तौड़गढ़ के परिवार को बहुत बहुत बधाई किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश थे कि 7 तारीख को ही पूरे राजस्थान में एक ही दिन से ये कार्यक्रम शुरू करो, तो ये स्थान मैंने निम्बाड़ा चुना और भजन लाल जी से भी निवेदन किया कि आप चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के प्रभारी हैं और अगर निम्बाड़ा में रखेंगे तो प्रतापगढ़ वालों के भी आधा पड़ेगा और राशमी और गगरार वालों के भी आधा पड़ेगा, इसलिए निम्बाड़ा का चयन किया और आज हम सब यहाँ बैठ करके ये बात कर रहे हैं। अभी तत्व तत्व सूरा कही तुलसी कही अनूठी, बती बची कुछ कबीरा कहे बाकी कहे जो झूठी। तो तत्व तत्व की बातें तो एडीएम साहब ने कह दी कि सरकार क्या क्या करने वाली है, सभी योजनाओं को क्रमवार तरीके से जितने काम हमने 1.5 महीने में किए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किए बैठ करके, उन सब तत्व तो वो है, काम की चीज़ें तो वो थी जो एडीएम साहब ने बढ़ दी। फिर तुलसीदास जी ने अभी भजन लाल जी ने अपने भाषण दे दिए, अब मेरा नंबर तो बाद में आया, मैं क्या बोलूँगा और मैं कितना बोलता हूँ आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले 30-40 साल से बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं और आपस की बातें ही मेरा भाषण है, इससे ज़्यादा मेरा और कोई भाषण होता नहीं है। तो मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और राहुल जी गांधी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राहुल जी गांधी ने देश के हालात देखने के बाद जब कांग्रेस बहुत खराब स्थिति में आ गई, 44 सीटें आई, राजस्थान में 21 सीटें आई और यह सब वातावरण चलता रहा, उसके बीच में पूरे इंडिया का पूरे भारत का दौरा किया और सब जगह से सूचना आने लग गई हिंदुस्तान में कि अगर सबसे ज़्यादा दुखी है तो कोई किसान है और आत्महत्या कर रहे हैं। इस कारण से उन्होंने सब जगह घूम घूम करके देखा कि किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अध्ययन किया कि किसानों की हालत ये है और दूसरी तरफ बड़े बड़े उद्योग घराने के नाम जिन्होंने अभी भजन लाल जी ने लिए, टाटा बिरला अंबानी अडानी और जितने भी बड़े उद्योगपति हैं वो न्याल होते जा रहे हैं और उनके कर्ज माफे होते माफ होते जा रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए तक उद्योगपतियों के ऋण माफ हुए और किसान को एक पैसा नहीं दिया गया। इस कारण से फिर राहुल गांधी ने उसी समय से भूमिका बांधनी शुरू कर दी थी कि किसानों की हालत नहीं सुधरेगी जब तक इस देश को प्रगति नहीं कर सकते। राहुल गांधी का सोच पूरे हिंदुस्तान का सोच था, उन्होंने ये विचार किया कि 70% हम किसान वर्ग के लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं हिंदुस्तान में और जब तक किसानों की हालत ठीक नहीं होगी जब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसानों की जेब में पैसे हैं तो बाजार में भी रौनक दिखेगी, खुशहाली दिखेगी और अगर किसानों की जेब में पैसे नहीं है तो बाजार में मक्खियाँ उड़ती फेंकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो किसानों की हालत सुधरनी चाहिए यह बात सोचकर ही उन्होंने जब चुनाव चल रहे थे उस समय तीनों सरकारों को और इसकी घोषणा उन्होंने इससे पहले कर दी थी, मैं भी गुजरात चुनाव में था उस समय, गुजरात चुनाव में उन्होंने घोषणा की थी कि हमारी सरकार अगर गुजरात में बनी तो मैं 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन वहाँ सीटें तो बढ़ी लेकिन सरकार नहीं बन पाई थी। वो अवसर दिया राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने जब उन्होंने घोषणा की थी कि मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा और जब तीन ही राज्य के जनता ने किसानों ने पूरा सहयोग किया और वहाँ सरकारें बन गई तो उनका दायित्व था कि जो राहुल गांधी कहते थे वो करके बताते हैं। 10 दिन की कहा था लेकिन 2 दिन के अंदर ऋण माफ करके ये साबित कर दिया कि जो जनता से वादा करेंगे राहुल गांधी वो पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पूरी सर्वे की किसानों की और उसके बाद मेरे मन में तो एक ही विचार आया कि निम्बाड़ा में सेवा सराई ज़्यादा होती है तो मुझे कहीं सुनने को मिला, तो राहुल गांधी के मन में यही ख्याल था किसानों की दास्ता क्या पूछते हो यारों, किसानों की दास्ता क्या पूछते हो यारों, कर्ज चुकाते चुकाते जिंदगी गुजर जाती है। तो निस्संदेह आदमी एक बार किसी के यहाँ खाता लगा ले, वही हाल स्थिति आज बैंकों की हो रही है। पहले सेठ साहूकारों के यहाँ खाते लगते थे और कभी तो खाता बंद नहीं होता था, आज बैंकों के यहाँ खाते लग जाए उसके बाद भी किसान का कभी पीछा नहीं छूटता, ऐसे किस्से चलते रहते हैं। इस विचार को करके उन्होंने ये ऋण माफी योजना की कहा और 10 दिन में अपना वादा पूरा करके आज जलसे के रूप में हम आपके बीच में बैठे हुए हैं। निस्संदेह राहुल गांधी को, अशोक गहलोत को और सचिन पायलट को बहुत बहुत आभार धन्यवाद जिन्होंने अपना वादा पूरा किया। आदरणीय अंजना साहब, पूर्व MLA आदरणीय प्रकाश चौधरी जी, जिले के जिलाध्यक्ष मांगीलाल धाकड़ जी, चेयरमैन साहब,
सामने बैठे हैं मेरी पूजा के योग बुजुर्गों, साथ में नौजवान साथियों, हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण इसलिए और ज़्यादा बन जाता है कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल में सहकारिता विभाग, आदरणीय मंत्री साहब उदयलाल अंजना जी, विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा जो आप सब लोग बैठे हैं, और आप सब लोग किसान हैं, नौजवान हैं, और मंत्री सहकारिता मंत्री निम्बाहेड़ा, और ऋण माफी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और ऋण माफी के चेक वितरण किसके हाथ से होंगे, आदरणीय सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना जी, और सब लोग किसान कहाँ के बैठे हैं आप लोग, निम्बाहेड़ा, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि आपके मंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री और निम्बाहेड़े के किसानों का ऋण माफी के लिए आज लोग चेक दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और आप लोगों के लिए भी इससे गर्व की बात हो नहीं सकती कि संपूर्ण किसानों का जो आज ऋण माफी का शिविर लगे हैं जगह जगह, तो हम लोग आभार प्रकट करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने सरकार बनने के बाद जो फैसले लिए हैं निश्चित तौर पर सराहनीयपूर्ण फैसले हैं, और जब से सरकार राजस्थान सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तभी से आप लगा लो 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, 24 तारीख को मंत्रिमंडल की मंत्रिमंडल ने शपथ ली, तो हमारी जो सरकार बनी है मात्र मेरे हिसाब से 1 महीने 15 दिन के आसपास हमको हुए हैं, और हम लोग, मैं विपक्ष में पिछली बार भी मुझे मौका मिला था, हम लोग 5 साल तक कहते रहे भाई किसान हमारा अन्नदाता है, केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, और 80% इस हिंदुस्तान के अंदर और राजस्थान के अंदर किसान है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो किसान के ऊपर निर्भर रहती है, किसान की बात सुन लो, किसान अन्नदाता है, हम बात करते थे किसानों की, वो बात करते थे भगवान राम की और कभी गाय की, हम बात करते थे नौजवानों की, उन्होंने किसानों की बात नहीं सुनी, हम लोग विधानसभा के सदन में हमने मांग रखी 52 घंटे तक हम लोग सदन में बैठे रहे और मांग करते रहे कि किसान हमारा अन्नदाता है, इनकी आप मांग पूरी कर दो, इनके समर्थन मूल्य का जो रंगनाथन रिपोर्ट की जो कमेटी है उसके समर्थन मूल्य की आप दोगुनी रकम दे दो, उन्होंने एक बात नहीं सुनी, उन्होंने बात सुनी किसकी, ललित मोदी, नीरव मोदी, अडानी, विजय माल्या, टाटा, बिड़ला, उनकी बात सुनी पर किसान की बात नहीं सुनी, ना अन्नदाता की बात सुनी, ना नौजवानों की बात सुनी, ना महिलाओं की बात सुनी, ना दलितों की बात सुनी, ना पिछड़ों की बात सुनी, उन्होंने तो उनको, उन्होंने गिनती के 12-14 जो लोग जो उद्योगपति थे उनको फायदा पहुंचाने के लिए किसानों का गला घोटने का काम कर दिया, किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया, ये सरकार केंद्र में और राज्य में उतरी थी तो आज ये जो जेल भरों का जो आंदोलन करना पड़ रहा है इनको, ये क्यों कर रहे हैं नाटक, ना क्या जरूरत थी नाटक करने की, जब यही किसानों के इतने हितैषी थे तो 5 साल तक कहां थे, क्यों नहीं किसानों के कर्जे माफ किए, अब जेल भरो आंदोलन का नाटक जुमला फेंक रहे कि हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, अरे किसके खिलाफ कर रहे हैं आप लोग, केंद्र में आप लोग बैठे ना, हम लोगों ने दिल से दरिया दिखाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दरिया दिखाई, मंत्री जी आपके सामने बैठे, करे ना किसानों के कर्जे माफ, ये क्यों नहीं करते, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अंडरटेकिंग आते हैं, जो भारत सरकार के अंदर आते हैं उनका करे ना किसानों को कर्जे माफ, किसने मना किया है इनको, ये सिर्फ जुमला फेंकते हैं।